आपने अगर कॉर्नल और सजाइटल बनाना है तो आपने ये इमेजेस सेलेक्ट कर ली और वॉल्यूम व्यूअर चूज़ करना है, ये वॉल्यूम व्यूअर ये वाला, यहाँ से आपने वॉल्यूम व्यूअर चूज़ किया। और उसके बाद फिल्म टूल्स में जाना है और बैच फिल्म में जाना है और ऑब्लिक ले लेना है, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑब्लिक आ जाएगा। मान लिया आप ऑब्लिक यहाँ पे ऑब्लिक किया आपने तो इसमें ऑब्लिक आ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि इस रोटेशन पे या मतलब कितने भी रोटेशन पे करना है, मान लिया आपको चाहिए सिर्फ 15 इमेजेस, आप चाहते हैं कि इसकी 15 इमेजेस बनानी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए हाथ से, यहाँ यहाँ पे 13 की जगह 15 कर दीजिए। उसके बाद में आउटपुट में जाएंगे, सेव करना है फिल्म सेव, या फिल्म में नहीं जाना, नहीं तो फिल्म में प्रिंट ही हो जाएंगी सीधी। आपने सिर्फ सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद में दोबारा यहाँ पे ये नीचे वाला जो सेव था वो सेव दबाएंगे नहीं तब तक फिल्म बनेंगी नहीं। फिर से देखें, ये ऑब्लिक आया, ऑब्लिक में ये 9 फिल्में के लिए बोल रहा है, ओके 9 ही बनने देते हैं या इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे या 11 करते हैं तो ये 11 हो गई। और उसके बाद में आउटपुट में सेव ओनली, फिल्म पे नहीं सेव पे जाना है। और उसके बाद नीचे वाला सेव नहीं जब तक दबाएंगे तब तक ये चलेगा नहीं, अभी जैसे ये जब तक नीचे वाला सेव नहीं दबाएंगे तब तक चलेगा नहीं, जैसे आप नीचे वाला सेव दबाएंगे तो ये इमेजेस चलेंगी ऐसे, एक बार चल गई तो उसका मतलब सेव हो गई। अब दोबारा आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसको और पेशेंट में जाइए तो लास्ट में ये देखो ये 12 इमेजेस बन के आ गए आपके, तैयार हो गए 11 इमेजेस और एक जो था स्काउट जिसके ऊपर आपने प्लानिंग की थी। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो क्योंकि प्लानिंग वाला और इसके साथ 11 इमेजेस ये वाली आ गई। अब ये धुंधली इमेजेस आ रही हैं, इसका रीज़न ये है कि हमने जो जिसमें रीफॉर्मेट किया है वो 10x10 का रीफॉर्मेट था। अगर उसी को कम से कम इंटरवल और कम से कम थिकनेस जो भी मिनिमम अलाउ करता है उस पर करके और ट्रांसफ़र करके और फिर यहाँ भेजेंगे और उसके बाद में रीफॉर्मेट बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर इमेज जाएंगे। इसमें एक और भी दिक्कत है कि जो ये क्लियरिटी कम होती है वो इस तरह से कम होती है। मान लिया आपने ये दोबारा वॉल्यूम व्यूअर उसको दोबारा खोला, देखो ध्यान से, और ये रीफॉर्मेट ये वाला खोलेंगे या सी ए व्यू ये वाला देखेंगे, ये वाला खोलेंगे या रीफॉर्मेट ये, दोनों में से कोई भी एक मान लिया ये खोलते हैं हम, इसमें क्लियर आ रही हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक किया, अगर ये गैप है तो क्लियरिटी कम होगी, इसको जितना चिपका देंगे इसको उतनी क्लियरिटी यहाँ बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ है ये गैप है, इसको क्लियरिटी बढ़ानी तो ऐसे चिपका देंगे, जब जब ये चिपका देंगे तो ये क्लियरिटी और इम्प्रूव कर जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि फिल्मिंग टूल्स में जाना है यहाँ पे, फिर बैच फिल्म में जाना है, फिर ऑब्लिक में जाना है, तो ये लाइनें आ गई। अब जितना चाहिए उतना खींच दीजिए, बहुत सारी इमेजेस आ गई 45, आप नहीं चाहते 45 इमेज, आपने कहा हमें तो 15 ही चाहिए, यहाँ पे 15 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए और एंटर मारिए, ये आपने एंटर मारा तो 15 आ गई यहाँ पे। अब आउटपुट में जाएंगे, फिल्म पे नहीं क्लिक करना और फिल्म सेव पे भी नहीं क्लिक करना, ओनली सेव पे क्लिक करना है। अगर फिल्म या फिल्म सेव पे कर दिया तो सीधी फिल्मिंग फिल्म प्रिंट ही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव जब तक नहीं करेंगे तब तक इमेजेस नहीं आएंगी, एक बार जब इमेजेस आएंगे तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ वैसे चलेगा, अगर चल गया तो फिल्म बन गई, इमेजेस बन गई। अब आप दोबारा पेशेंट लिस्ट में जाके यहाँ पे नीचे चेक करेंगे, ये देखो 16 इमेजेस आ गई, 15 आपने इमेज चूज़ की थी और एक आपका रीफॉर्मेट। बस अब इसको खोल के देख लीजिए, ये देखिए ये पहले इसका स्काउट आ गया जिस पर आपने प्लानिंग की थी और ये इमेजेस आ गई।